हेलो वन, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान। मैं एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड स्ट्रेंथ कोच और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन एंड ऐसी मल्टीपल सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर मुझे डिस्कस करना है वो है बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर। ठीक है, इन जनरल टर्म में हम कहें तो बॉडी को जिस हिसाब से लोग तय करते हैं कि मुझे फैट लॉस करना है, वो मुझे वेट लॉस करनी है या मुझे मसल गेन करना है, तो ये सारी चीजें इस चीज के अंदर आती है। वो होता है बॉडी रिकम्पोजिशन, यानी आप अपनी बॉडी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, उसी कंपोजिशन आप चेंज कर रहे हो। अगर बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, हमको फैट परसेंटेज को रिड्यूस करना होता है, साथ ही साथ मसल मास को इंक्रीज करना होता है, तब जाके आपकी बॉडी सही शेप या स्ट्रक्चर में कहूँ उसमें आती है। तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जब जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज ज्वाइन करते हैं या डाइट कंसल्टिंग में आते हैं, तो उनका प्राइमरी कंसर्ट होता है कि उनको अपना फैट लॉस करना, वेट लॉस करना होता है। ठीक है, मैंने फैट लॉस और वेट लॉस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वेट लॉस एक जनरली प्रोफेशनल टर्म होता है। अगर आप एक एथलीट हैं, आप अगर एक 75 केजी के एथलीट हैं, आपको अगर अपना 5 केजी रिड्यूस करके आप अंडर 70 जा सकते हैं और उसमें आप मेडल ला सकते हैं, आपके चांसेस हैं, तो हम वहां पर ये नहीं देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि एथलीट ऑलरेडी लो फैट परसेंटेज के अंदर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो उस समय ये जरूरी हो जाता है कि अगर उनका मसल मास भी रिड्यूस हो रहा है तो वो हो, लेकिन वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाए ताकि उनके चांसेस बढ़ जाए मेडल अचीव करने के। तो ये एक प्रोफेशनल टर्म हो जाता है, लोगों ने इसको गलत वे में लेना स्टार्ट कर दिया। अब जब सही प्रॉपर वे में फैट लॉस करते हैं तो आपकी बॉडी की रिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि आप उस टाइम में सेम टाइम में आप मसल भी इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर सिर्फ वेट लॉस ही करना हुआ तो आप बिना कुछ खाए घंटों कार्डियो करते हुए, अल्टीमेट टाइम की फास्टिंग करते हुए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे क्या होगा, आप एक बड़े कद्दू से छोटे कद्दू में बदल जाएंगे, बस डिफरेंस ही आएगा उसका। क्या बॉडी कंपोजिशन चेंज हुई, क्या मसल मास चेंज हुआ, क्या आपकी इंड्योरेंस बढ़ी, क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, क्या आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ, क्या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंशन इंप्रूव हुई, क्या आपकी डेली जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं जो आप एक्सरसाइज के अलावा करते हैं उसमें इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें कवर अप होती है बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर, अगर बॉडी की रिकम्पोजिशन सही ढंग से हो। ठीक है, या प्रॉपर वे में फैट लॉस हो। ठीक है, या अगर मसल गेन कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में मसल गेन हो, तो ये होती है बॉडी रिकम्पोजिशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मेरे पास दो बंदे हैं, ठीक है, एक मिस्टर ए है एक मिस्टर बी है, दोनों जिम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दोनों को फैट लॉस करना है, दोनों को अपना वेट रिड्यूस करना है। एक बोलता है, एक के पास ऑप्शन है कि वो इस तरीके से वेट लॉस करे कि उसको अदर चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उसको वेट लॉस, उसको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करना, मुझे मसल नहीं बढ़ाना, मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है। और एक बंदा है जिसके जो चाहता है कि वो ठीक है, वो वेट ट्रेनिंग भी करे, वो कार्डियो सेशन भी करे, वो प्रॉपर अमाउंट में डाइटिंग भी करे। इनको सिर्फ डाइटिंग करनी है और कार्डियो सेशन में फोकस करना है, इनको मसल बिल्डअप नहीं करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप देखेंगे, कुछ वीक के बाद या कुछ मंथ के बाद वेट लॉस दोनों का होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर मसल बिल्ड कर रहे हैं उनका वेट लॉस का जो प्रोसीजर होगा उनका जो, वो थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो, उनसे स्टार्टिंग के फेस होते हैं अगर बॉडी अडॉप्ट नहीं करती है तो उस समय फैट लॉस का होता है, बॉडी वेट लूज होना या मसल गेन होना थोड़ा फास्ट होता है। तो इन आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फेस के अंदर दोनों को थोड़े रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म के बाद आप देखेंगे कि दोनों का वेट लॉस हुआ। ठीक है, लेकिन जिनका जिन्होंने साथ में वेट ट्रेनिंग इंक्रीज की उनका कम हुआ। ठीक है, वो टाइम के साथ कम हुआ क्योंकि मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है। सेम अमाउंट में अगर फैट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी फैट डिक्रीज हो रहा है और मसल इंक्रीज हो रहा है, तो बॉडी एक टाइम में थोड़ी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट लॉस नहीं हो रहा है। फैट लॉस हो रहा है, वो क्या रहा है कि बॉडी के अंदर सेम अमाउंट में अगर मसल मास इंक्रीज होता जा रहा है तो वो वेट आपका मेंटेन हो जाता है, कई बार ऐसे होते हैं। लेकिन साथ में आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, मसल मास इंप्रूव होता है, बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपने कार्डिफिकेशन किया, एक्सट्रीम डाइटिंग फॉलो की, आपका वेट लॉस होगा लेकिन वो अपने साथ वीकनेस लेके आएगी। ठीक है, मल्टीपल टाइप की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, आपको नींद नहीं आ सकती, आपके हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक बहुत मेल के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनकी सेक्सुअल लाइफ भी डिप्रेस हो जाती है, सम्प्रेस हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन अनहेल्थी वेट लॉस के सामने आते हैं इन अ टर्म ऑफ इन अ लॉन्ग टर्म रिव्यू आप देखें तो आप देखेंगे कि पर्सन ए एक टाइम के बाद उनका वेट लॉस होना तो ठीक है, हो गया, दोनों ने मान लीजिए अपना टारगेट अचीव कर लिया। इन्हें हो सकता है कि इनका उतना ज्यादा वेट लॉस ना हुआ पर बॉडी की रिकम्पोजिशन बी की ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, जब आपको लोगों का फीडबैक मिलेगा तो लोग दो तरीके से आपको वो करते हैं, या तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं या आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको कॉन्ग्रेट भी करेंगे।
ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर तो जो बॉडी कंपोजिशन है क्लाइंट ए की, ठीक है, वो उतनी अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि बॉडी में मसल लॉस भी हो, फैट लॉस भी हो, साथ ही साथ उनका असर उनके फेस पे दिखने लगेगा, उनकी बॉडी में दिखने लगेगा, ठीक है, उनकी स्किन क्वालिटी में दिखने लगेगा, उनके नींद पे दिखने लगेगा, उनके जो आप बोल सकते हैं मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है कई बार। तो कई बार आप इसके कारण होता है कि वो डिप्रेशन में भी जाते हैं इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और अगर वो उन्होंने वापस अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करी पुरानी लाइफस्टाइल, तो हो सकता है कि वो वापस रिगेन करें वेट, और पहले से ज्यादा रिगेन करेंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर मसल मास नहीं है। बॉडी की जो जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक कोडिंग होती है हमारी, कि बॉडी के लिए एक हेल्थी वेट होता है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि आदमी किसी का वेट ज्यादा है तो वो ओवरवेट ही हो, ठीक है, वो हो सकता है उसकी बॉडी के हिसाब से वो वेट सही हो उसके लिए। कोई हो सकता है किसी के लिए लो बॉडी फैट में रहना ज्यादा सुटेबल हो, तो बॉडी की एक जो लंबे समय तक जिसमें रहती है वो जिस स्टेट में रहती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन, एक टाइम तक कर लेती है बॉडी, ठीक है। तो इनका हो सकता है कि फूड इनटेक कम हो गई हो, सारी चीजें कम, जब तक डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो चीजें डबल स्पीड से इंक्रीज होती है। इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम छोड़ते हैं या वेट ट्रेनिंग छोड़ते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो कैलोरी कंजप्शन है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं हो पाती, क्योंकि उनको चाहिए शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए। शॉर्ट टर्म में कोई चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि बॉडी आपकी उसको अडॉप्ट करने में टाइम लेती है। अब होगा तो आगे जाके लॉन्ग टर्म में इनको जो होगा जो रिजल्ट आएंगे वो सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं होंगे। अगर मैं यही बात करूं प्लान बी की, जिन्होंने प्रॉपर अमाउंट में वेट ट्रेनिंग की है, प्रॉपर अमाउंट में कार्डियो किया है, प्रॉपर अमाउंट में अपनी डाइट फॉलो की है, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है, प्रॉपर नींद में है, प्रॉपर ऐसे सोसाइटी का हिस्सा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव जो है आपका, ठीक है, उसको लोग या ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो फिटनेस से जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है, ताकि आपकी मेंटली जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे वहां पर। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत टाइम हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप धीरे धीरे अपने आप को मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है, आपको वो फील होगा जब आप असर्ट निकाल के या टूल आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे, तो ये चीज वो है जो आप अचीव करते हैं, ठीक है, जिसमें आपने अपना टाइम दिया हुआ है, ओके। तो चीजें धीरे 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 होती हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इन सारी चीजों में। कई लोग बोलेंगे यार रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हुआ वेट का, क्या हुआ इसका, इतने समय का डाइटिंग कर रहे हो। लोग मिलते हैं और बोलते हैं बातें, ठीक है, लेकिन जो आपको वेल विशेष जो होगा आपका, ठीक है, जो आपका दिल से चाहेगा आपकी, अच्छे टाइम के बाद, टाइम टू टाइम जब आप देखेंगे तो वो आपको कभी ये चीज नहीं बोलेगा कि जिम छोड़ दो, एक्सरसाइज करना छोड़ दो, या डाइटिंग करनी छोड़ दो, ठीक है, या अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, वो कभी नहीं बोलेगा। उनके लिए आपकी अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे लोग जो होंगे उनको अपने पास रखिए, सब सारी चीजें टाइम के साथ आपको समझ में आएंगे। लेकिन जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन बिल्कुल अचीव करेंगे। उसमें रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, है ना, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट हो शायद मेरा रास्ता डिफिकल्ट हो सकता है ना, मुश्किल हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन वही सही रास्ता है, और वो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको पेशेंस बना के रखना है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन होनी जरूरी है। लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं ना, कभी भी हमारे बॉडी कंपोजिशन में बहुत बड़ा वो होता है, मिथ होता है, चाहे आप फैट लॉस करें या मसल गेन करें, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और डिसिप्लिन, आप कब तक रख पाते हैं इसको, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, चाहे आप जेईई मेंस की करें, चाहे जेईई करें, चाहे नीट करें, किसी भी चीज की करें, लोग सालों लग जाते हैं लोगों को, लेकिन वही निकल के आगे आ पाता है जो कंसिस्टेंस है। आपको फिट एक दिन के लिए तो नहीं रहना है, एक महीने के लिए नहीं रहना है, ठीक है, क्या बॉडी की एक साल ही आपकी बॉडी की लाइफ है या दो साल बॉडी की लाइफ है, नहीं, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। आज आप अगर इन्वेस्ट करेंगे इन चीजों में तो इसका जो वो गुडविल जो रिटर्न है आपको, वो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जब आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आप देखेंगे उनको कि 40-45 ईयर में वो बेड में हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आप आज भी फिट हैं, आज आप अपने बच्चों के साथ खेल पा रहे हैं, ठीक है, आज अदर दूसरे पर्सन की आप हेल्प कर पा रहे हैं, वो भी अपने गुड हेल्थ के कारण। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फिटनेस फैक्ट के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जिनको जरूरत हो आप उन तक बिल्कुल ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो एक हेल्थी कम्युनिटी बने, ठीक है, हमारा नेशन जो है एक हेल्थी नेशन बने। ओके, थैंक यू।